हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ये सीएससी सेंटर क्या होते हैं और इन्हें कैसे हमें खोलना होता है। अगर आप बेरोजगार हैं और आप अपना कैरियर एक सीएससी सेंटर खोलकर बनाना चाहते हैं तो आप सीएससी सेंटर कैसे खोलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, और साथ में बात करेंगे कि एक सीएससी सेंटर खोल के चलाने में आप कितना इनकम महीने में कर सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, कितनी सारी सरकारी सेवाएं दे सकते हैं, कितना प्राइवेट सेवाएं दे सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे तमाम सारे इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो सीएससी से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड हम लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आइए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही सीएससी सेंटर के बारे में क्या कहना है उनका सुन लेते हैं, उसके बाद हम खुद आपको तमाम सारी चीजें बताएंगे। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान, बहुत तेज हुई है। और गांवों में तो ये सब अब अपने घर के पास सीएससी सेंटर में भी हो रहा है। गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। पहचान हर शहर से मोड़ के, गांव घाट जोड़ के, धान चार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नया, नई हवा का आसमां, आसमां में घूम के नया देहात सूंघ के खड़ा करेंगे एक नया हिंदुस्तान। यहाँ पे देखें, ये सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल है। यहाँ पे बहुत सारी सेवाएं आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। आपको एक छोटा सा दुकान खोलना होगा, उसके बाद ये सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस पोर्टल के बारे में बता दें। यहाँ पे आप देखेंगे ये सीएससी का डिजिटल सेवा पोर्टल है। इसमें जितने भी डिजिटल सेवाएं हैं, जैसा कि अभी आपने सुना प्रधानमंत्री जी ने बताया, वो सारी सेवाएं यहां से दी जा सकती हैं। आप यहां पे एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट की सर्विसेज, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल, और फिर फास्टैग सर्विस, यहाँ पे तमाम सारे टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज से संबंधित भी है, डीटीएस, टैक्स पेमेंट, आईटीआर रिटर्न, सारा कुछ यहाँ पे, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी सीएससी सेंटर से ही बुक हो सकता है। और बहुत सारे सीएससी सेंटर को गैस सिलेंडर बेचने तक का भी अथॉरिटी है। उनको एक छोटा सा लाइसेंस लेना होता है अपने नियरेस्ट जो उनके डीलरशिप होते हैं, जैसे भारत गैस का, इंडियन गैस का, एचपी गैस का, किसी से भी उनको एक छोटा सा लेटर देना होता है और उसके बाद उनको पूरा अप्रूवल मिल जाता है। फिर अपने सीएससी सेंटर पे वो 10 सिलेंडर के आसपास रख भी सकते हैं और अपने ग्राहकों को अपने गाँव में या अपने जिस भी क्षेत्र में, जिस भी वार्ड में उनका सीएससी सेंटर है, वहां के लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। उसमें भी उनको सीएससी सेंटर, उसमें भी उनको कमीशन मिल जाता है। तो इस तरह से तमाम सारे यहाँ पे स्टोर भी हैं। और यहाँ पे देखें तो एक यहाँ पे वॉलेट बनाया गया है, सर्विसेज हैं। इस वॉलेट में आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट ऐड कर दिया जाता है और जो आपका कमीशन होता है वो भी आपको मैक्सिमम कमीशन इसी वॉलेट में मिल जाता है, जो सरकारी सर्विसेज का कमीशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें इनकम किस तरीके से होता है। तो गाइज, हम आपको साफ शब्दों में बताएं कि सीएससी एक मीडिएटर है जो तमाम सारे सरकारी काम को, जो गवर्नमेंट को गाँवों में तमाम सारे काम को, तमाम सारे सर्विसेज देने होते हैं, उन सर्विसेज को सीएससी के माध्यम से गांव तक पहुंचाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे लेवल तक, धरातल तक लाया जाता है। उस बीच में सरकार सीएससी को पैसा देती है कि हमारा ये सर्विसेज आप गांव तक पहुंचाओ, फिर सीएससी बीएलई अपने इसे डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए गांव तक सर्विसेज पहुंचाता है। अब सरकार के द्वारा दिए गए पैसों में से कुछ परसेंट सीएससी रख लेती है और कुछ इनकम उसमें से कुछ परसेंटेज सारे बीएलई लोगों को दे दिया जाता है। ऐसा तो तमाम सारे सरकारी प्रोजेक्ट में आपको काम करने को मिल जाएगा, जैसे कि बीच में ई श्रम कार्ड बनाया गया था, आयुष्मान कार्ड बनाया गया था, ये तमाम सारे ऐसे प्रोजेक्ट आते रहते हैं। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आएगा वो सीएससी के जरिए ही गांव तक पहुंचाया जाता है, लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया जाता है। और तमाम सारे प्राइवेट वर्क में जिससे आप ग्राहकों से कैश में पैसा लेते हैं,
उस पैसे में से सीएससी को भी आपको पे करना होता है थोड़ा बहुत। तो किस तरीके से वो पेमेंट होता है, क्योंकि जो भी पेमेंट आप कस्टमर से लेंगे वो पैसा आपके वॉलेट से कटेगा, उसमें का जो थोड़ा बहुत कमीशन होगा वो सीएससी लेगी, बाकी सारा प्रॉफिट आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल कुछ काम सीएससी सरकारी काम आपके पास लाएगी और आप प्राइवेट काम अपने सेंटर में डायरेक्टली कस्टमर से लेकर के आएंगे। तो इसी में ओवरऑल हमें कमीशन बेस पे काम करना होता है जितने भी वेली होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम सीएससी वेली का हो जाता है। बहुत सारे ऐसे वेली हैं जो लाखों महीने में कमा लेते हैं। अभी जैसे आधार सेंटर की बात करें, बहुत सारे सीएससी सेंटर पर आधार यूसीएल का काम किया जा रहा है, वहाँ पे आधार सेवा केंद्र है, लोग आधार अपडेट करवाने आते हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में आधार अपडेशन का कार्य है, उनका भी अच्छा इनकम हो जाता है। बहुत सारे सीएससी सेंटर पर एजुकेशन का काम किया जाता है पीएमजी दिशा में। अब जैसे सरकार को पीएमजी दिशा जो एनडीएलएम प्रोजेक्ट या पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने सीएससी के थ्रू ही पूरे भारतवर्ष में चलाया, तो उसमें एक स्टूडेंट पे करीब 300 रुपये का कमीशन आपके पास आया। अब इसमें 10 दिन का केवल ट्रेनिंग दे देना था, बाकी पैसा सीएससी ने गवर्नमेंट से लिया और फिर आपको भेज दिया। अब अगर 100 स्टूडेंट को आपने ट्रेनिंग करा दिया तो आप जान सकते हैं 300 रुपए के हिसाब से आपको 30,000 रुपए का इनकम हो जाएगा केवल 10 दिन में। तो इस तरह से नए नए प्रोजेक्ट सरकारी आते रहते हैं सीएससी में, उसमें आप अच्छे से अपना सीएससी सेंटर खोल के इनकम कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अब सीएससी सेंटर का रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना होता है। तो यहां पे देखेंगे आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे register.csc.gov.in/register। ये पोर्टल पे आप आ जाएंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या गूगल पे आप सिर्फ इतना लिख दीजिए सीएससी सेंटर रजिस्ट्रेशन, आप यहां पे पहुंच जाएंगे, आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ जाएगा, उस पे क्लिक करके आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो बहुत सारे ऑप्शन यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप एज अ सीएससी वीएलई अपने आप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आप सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर और वीएलई मतलब विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, मतलब आप एक विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर होंगे और ये कॉमन सर्विस सेंटर के आप वीएलई होंगे। और यहां पे देखें तो एक टैक्स सर्टिफिकेट नंबर आपसे मांगा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भैया टैक्स सर्टिफिकेट नंबर इसमें अपना डालो। सीएससी की तरफ से पहले आपको एक कोर्स करना होता है और इस कोर्स का फीस लगभग 1479 रुपए, अप्रॉक्स 1500 रुपए हम कह सकते हैं लगता है, और इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना होता है। और ये सर्टिफिकेट जब आपको मिलता है वही टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डाल के आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें सिंपल सीएससी वेली सेलेक्ट कर लेंगे, अपना टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डाल लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आगे ये फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन ये टैक्स सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा कहां से, तो इसके लिए हम बात करें सीएससी एंटरप्रेन्योर डॉट इन पोर्टल पे आप आ जाएंगे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप गूगल में सीएससी टैक्स सर्टिफिकेट लिख करके सर्च कर लेंगे, इसी पोर्टल पर आप आ जाएंगे और यहां से लॉग इन विद अस करेंगे और फिर यहां से आप रजिस्टर करेंगे। चूंकि आप पहले से डिजिटल सेवा आपके पास नहीं है, वरना आप यहां से लॉग इन विद डिजिटल सेवा कर लेते, और यहां पे आप अपना नाम लिखेंगे जैसा कि आपके आधार कार्ड में हो, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, और ये मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका आधार में लिंक होना चाहिए। अगर आप एक सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड में अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। उसके बाद अपने फादर मदर का नाम डालेंगे, स्टेट डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, और यहाँ पे अपना एक फोटो सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड डाल के जैसे सबमिट करेंगे आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट आप ऑनलाइन दे सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 1479 रुपए यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पे एक मैसेज आ जाएगा, आपका सीएससी टेक नंबर आ जाएगा, आपको फिर एक आईडी पासवर्ड भी उसी में आ जाएगा, और फिर आप लर्निंग करके चाहे तो सर्टिफिकेट ले लें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं सर्टिफिकेट आप लेते रहिएगा, ट्रेनिंग करते रहिएगा, उससे पहले आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल पे सीएससी टेक नंबर आ जाए, आप वही सीएससी टेक नंबर लेकर के वापस इस पोर्टल पे आ जाइए, यहाँ आप सीएससी वेली सेलेक्ट करिए, यहाँ पे सीएससी टेक नंबर अपना डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए, ये कैप्चा डालिए, सबमिट करिए, अपना नाम, अपने सीएससी सेंटर का नाम, पूरा फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को कंप्लीट भर लीजिए, सबमिट कर दीजिए, और 10-15 दिन के बाद आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का फोन आएगा सीएससी सेंटर के लिए आपका। हो सकता है थोड़ा बहुत आपसे कॉल पे पूछा जाए आपसे सेंटर कहाँ खोल रहे हैं, कैसा सेंटर खोलना चाहते हैं, और उसके बाद आपके सेंटर का अप्रूवल हो जाएगा, फिर आपको डिजिटल सेवा का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर ये जो मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा नाम लिखा हुआ है सर्वेश कुमार पांडे, आपका डिजिटल सेवा पोर्टल खुलने लगेगा और तमाम प्रकार की सरकारी सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज आप अपने लोकल लोगों को दे पाएंगे। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।